वेलकम बैक टू माई चैनल इन्वेस्ट करो, सही प्रॉपर्टी पे सही जगह पे इन्वेस्ट करो। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, ठीक है। ये बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट है जो हमारा VIP रोड का, जीरकपुर का है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि VIP रोड है पीछे हमारा, ठीक है। वहाँ पे इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी रहती है, पीछे VIP रोड है, बहुत ही मोस्ट हैपनिंग रोड है हमारा ये। यहाँ पे रश भी सबसे ज़्यादा रहता है। एंड सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रीनरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ, आइए मेरे साथ, जो ग्रीनरी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटेन की गई है। ग्रीनरी प्रॉपर यहाँ पे जो इसकी एंट्रेंस है, ग्रैंड एंट्री है यहाँ के प्रोजेक्ट की, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर ग्रीनरी का ध्यान रखा गया। गाइस, मैंने आपको जैसे ग्रैंड एंट्री का दिखाया कि ग्रैंड एंट्री यहाँ से आपकी लेफ्ट साइड से ग्रैंड एंट्री होगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटर करते ही आपको यहाँ पे ग्रीन पार्क यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। अंदर कमर्शियल शॉप्स आपको प्रोवाइडेड की गई हैं, जब भी आपने सामान लेना है बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको शॉप्स वगैरह भी अंदर हैं। फाउंटेन को आप देख सकते हैं, फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। लाइट नाइट में ये फाउंटेन और भी इनमें लाइट्स आती हैं डिफरेंट और भी प्यारा लगता है नाइट में तो ये, ठीक है। और अगर मैं इसकी यहाँ की अमेनिटीज़ की बात करूँ तो क्लब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोसाइटी के अंदर, आपको स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। आपको एक सबसे बड़ी बात, आज की डेट में जो स्कूल है, स्कूलिंग भी आपको इसके अंदर, स्कूल सोसाइटी के अंदर स्कूल बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं दीक्षांत पब्लिक स्कूल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप अपने बच्चों के एडमिशन भी करवा सकते हैं सोसाइटी के अंदर, ज़्यादा दूर का डिस्टेंस रहेगा नहीं, ठीक है। तो गाइस, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा ही फ्लैट पे, ठीक है। हेलो गाइस, तो मैं आपको सैंपल फ्लैट के ऊपर लेके आया हूँ जिसका बिल्ट अप एरिया है 2500 स्क्वायर फीट और ये 4+1 BHK आपका जो फ्लैट रहता है। आइए मेरे साथ आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करते ही हमको सबसे पहले वुडन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोर मिल जाएगा पॉलिशिंग के साथ प्रॉपर। एंटर करते ही आपको फॉल सीलिंग आप क्वालिटीज मिलने वाली है और जो ये एंट्रेंस पे ही आपका जो लॉबी टाइप बना हुआ है, वेटिंग एरिया में दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं कोई आए आपके घर पे तो अगर आप उसको वेट करवाना चाहें या उसको आप एज अ पूजा रूम कन्वर्ट करना चाहें तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपको डेकोरेशन के लिए प्रॉपर दिया गया, झूमर लगाया गया है, ठीक है। एंटर करते ही आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, ठीक है। आपका जो एज अ गेस्ट बेडरूम भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड भी काफ़ी प्रॉपर यहाँ पे एनिमेशन यूज़ की गई हैं। हॉल सीलिंग भी आपको LED ही मिलने वाली है इसमें। LED पैनल आप जैसे कि देख सकते हैं, LED पैनल आपके बेडरूम आपके बेड के बिल्कुल सामने। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे स्टडी टेबल दिया गया है, एज अगर आप IIT के IIT डिपार्टमेंट में हैं तो अपना इजीली यहाँ बैठ के एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्टडी करना चाहें तो स्टडी वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसी कमरे के साथ आपको अटैच बालकनी मिल जाती है, ठीक है। अटैच बालकनी मिल जाती है आपको, छोटी सी बालकनी मिल जाएगी आपको अटैच, ठीक है। विद टफन ग्लास होगा इसका और ये भी साउंड प्रूफ रहेगी आपकी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक। ज़्यादा एरिया भी नहीं है और कम भी नहीं है, नॉर्मल है जैसा कि सब फ्लैट्स में होता ही है बालकनी में, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम मिल जाता है, वॉशरूम आपको बेडरूम के साथ अटैच मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ तो जैगुआर की इसमें फिटिंग्स हैं प्रॉपर, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। आपको मिरर भी बहुत, टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है, एंड मिरर भी काफ़ी बड़ा दिया गया है आपको, ठीक है। एंड ये था फर्स्ट बेडरूम। अब फर्स्ट बेडरूम की आपको मैं वार्डरोब दिखाता हूँ, जैसे कि वार्डरोब इसकी रूफ टॉप तक इसकी वार्डरोब रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आपको वार्डरोब के अंदर भी स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट बेडरूम की आपकी वार्डरोब रहती है, आपने आप क्लोथ्स वगैरह भी आराम से आप कैप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है फर्स्ट बेडरूम। अब फर्स्ट बेडरूम आपको कहाँ है, ये आपका एकदम एंट्रेंस के साथ ही, इसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी, जैसे कि सामने आप एंट्रेंस देख रहे हैं, एंट्रेंस के साथ ही आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे किचन और ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। किचन एरिया के सामने बिल्कुल ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है, काफ़ी ज़्यादा खुला डुला यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है, एक बहुत बड़े लेवल पे आपको स्पेस मिल जाता है। हॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 6 पीपल की सीटिंग आराम से हो सकती है आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर, यहाँ पे भी आप 6 से 7 बंदे आप ड्राइंग एरिया में बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमेशन हैं प्रॉपर बैकग्राउंड में जो इमेजेस वगैरह लगाई गई हैं, जो वॉलपेपर्स लगाए गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे भी आपके सामने शोपीस के लिए इजीली आपको दिया गया है, एरिया दिया गया है। एक तो आपका ड्राइंग एरिया वहाँ पे है, दूसरा आपका इसको आप ये भी आपका एज ए ड्राइंग एरिया यूज़ कर सकते हैं या इसको एज ए फैमिली लॉन्ज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्पेस मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि 7 से 8 बंदों की सीटिंग मिल जाती है इजीली आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बाहर मिल जाती है एक बालकनी मिल जाती है आपको यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग और डाइनिंग के ड्राइंग एरिया के सामने आपको बालकनी मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भी काफ़ी ज़्यादा एनफ स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और इसकी जो अटैचमेंट है बालकनी की, ये आपको सेकंड बेडरूम के साथ ये वाली आपको बालकनी मिल जाती है, अटैच बालकनी मिल जाती है, ठीक
ठीक है। उसके बाद ही आपको अगर मैं बात करूँ किचन की, तो किचन एरिया आपका बिल्कुल सामने रहता है, किचन एरिया भी आपका डाइनिंग के सामने बिल्कुल किचन एरिया रहता है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपका जो किचन एरिया भी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्लोर के साथ इसमें स्पेस दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं किचन में आपको चिमनी और होब एज इट इज़ ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप पॉलिशिंग देखिए, ग्रेनाइट की कितनी प्यारी पॉलिशिंग की गई है। एंड यहाँ पे कपबोर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा एनफ स्पेस है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो वॉश बेसिन है, टू वॉश बेसिन का अगेन कंसेप्ट है। यहाँ पे भी मूवेबल टैप्स का कंसेप्ट रहेगा आपका, टू वॉश बेसिन का, ठीक है। साथ ही आपको किचन के साथ ही आपको एरिया मिल जाता है, वॉशिंग एरिया मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको वॉशिंग एरिया भी दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको जो बात कर रहा था 4+1 BHK की, ठीक है, तो उसकी कनेक्टिविटी एक हमारी एंट्रेंस के साथ भी कनेक्टिविटी रहेगी, और उसकी अगर सर्वेंट क्वार्टर की कनेक्टिविटी आपकी किचन रूम के साथ भी आपके साथ रहेगी कनेक्टिविटी। यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है, किच सर्वेंट क्वार्टर का एक वॉशरूम दिया गया है आपको, ठीक है। साथ ही उसके लिए छोटी सी किचन दी गई है, एंड यहाँ पे आपको रूम दिया गया है सर्वेंट क्वार्टर का, एक 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 पर्सन के लिए यहाँ पे एनो स्पेस है अगर वो रहना चाहे तो, ठीक है। सर्वेंट के लिए प्रॉपर आपको मेंटेनेंस के लिए दिया गया है यहाँ पे। और जो इसकी कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी इसकी रहेगी एक एंट्रेंस की रहेगी स्टार्टिंग में ही, और एक एंट्रेंस इसकी रहेगी और बैकयार्ड से, अपने किचन के बैकयार्ड से, जहाँ पे आपको एक वॉशिंग एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये रहा था किचन, हमारा मॉड्यूलर किचन है बेसिकली, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है मॉड्यूलर किचन। एंड ये एक चीज़ है आई थिंक इसमें ओके, यहाँ पे भी आपने काफ़ी ज़्यादा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको किचन एरिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रही है, ठीक है। अब जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के सामने मैंने आपको किचन दिखाया, अब किचन के सामने ही हमारा इस सबको डाइनिंग के लेफ्ट साइड में हमारा रहता है सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, ठीक है। एंड लाइक वॉलपेपर भी कितना प्यारा यूज़ किया गया है एलईडी पैनल के लिए, एलईडी पैनल के बैक साइड में यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके अगेन जो अगर मैं वार्डरोब्स की बात करूँ, तो वार्डरोब्स भी इसकी अगेन रूफटॉप के साथ आपकी वार्डरोब्स रहती हैं इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी आपका अटैच वॉशरूम रहता है, एक आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही सेम रखा गया है। यहाँ पे जो आई थिंक एक ही टाइल लगाई गई है, बट बहुत ही प्यारी लग रही है, ग्रे कलर की, अगेन जैगुआर की फिटिंग्स हैं। आपको सैनिटरी में प्रॉपर आपको मेंटेनेंस के लिए दिया गया है। अगेन जो इसकी जो बालकनी है, बालकनी आपकी जो है ये आपकी जुड़ेगी आपकी ड्राइंग और डाइनिंग के साथ, ठीक है। जो ड्राइंग एरिया था उसके साथ आपकी वाली बालकनी जुड़ रही है, ठीक है। अगेन जो इसको जो दो लग रहे हैं कनेक्टिविटी पड़ रही है, वो अपनी एक ड्राइंग एरिया की पड़ रही है और एक बेडरूम की पड़ रही है, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसका जो मैं आपको बात बताता हूँ, और यहाँ पे जो वार्डरोब है, अगेन जो इसकी वार्डरोब है, मैं स्पेस दिखाता हूँ आपको इसकी वार्डरोब्स का। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वार्डरोब है यहाँ पे भी, अगेन विद रूफटॉप के साथ आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस आपको मिल जाता है वार्डरोब्स के अंदर, ठीक है। इसको आज आप एज ए किड्स रूम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताऊँ एज ए किड्स रूम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो मैंने आपको बताया था डाइनिंग के सामने थोड़ा सा ड्राइंग एरिया बना हुआ है, इसको आप एज ए फैमिली लॉन्च भी, इसको भी आप एज ए फैमिली लॉन्च यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपना एलईडी पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे आप अपना प्रॉपर एलईडी लगा के इवनिंग टाइम पे इंजॉय कर सकते हो, स्नैक्स के साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हो। अब ये आई थिंक मेरा रहता है मास्टर बेडरूम, दिस विल बी द मास्टर बेडरूम ऑफ 4 BHK+1, एंड इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस इज गिविन इन दिस बेडरूम, ठीक है। डेकोरेटिव लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, जो कलर का कॉम्बिनेशन है नीचे वुडन जो टाइल्स की, वुडन टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन है नीचे कितना प्यारा लग रहा है। एंड सामने आपको एलईडी प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इसकी जो अगेन जो इसकी बालकनी रहेगी, इसकी भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बालकनी रहेगी, ठीक है। जो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी, अगेन विद टफन डोर के साथ आपको, साउंड प्रूफ डोर के साथ आपको बालकनी मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप इवनिंग में बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये जो शीट है ये आपकी उतर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है आपका 4+1 BHK का मास्टर बेडरूम। तो बात कर रहे थे हम मास्टर बेडरूम की, तो मास्टर बेडरूम में जो आपका वार्डरोब रहेगी, जो आपकी मास्टर बेडरूम के अंदर जो एक्चुअली दो पर्सन की सिटिंग भी है, यहाँ पे सोफा सेट लगाया गया है, यहाँ पे भी आराम से बैठ सकते हैं आप। और यहाँ पे जो वार्डरोब रहेगी आपकी, वो अलग से ड्राइंग एरिया आपका, सॉरी ड्रेसिंग एरिया बनाया गया है अलग से। यहाँ पे जो वार्डरोब है इसकी में भी अगेन काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस है, नीचे ड्रॉअर दिया गया है आपको, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस है आपके मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे आपको मिरर दिया गया है प्रॉपर अपने ड्रेसिंग एरिया में। और जो इसका वॉशरूम है, वॉशरूम भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी आपको मिरर दिया गया है प्रॉपर, अभी थोड़ी लाइटनिंग की दिक्कत है थोड़ा, तो उसमें आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं, बट मैं आपको फोटोज वगैरह जरूर डाल दूंगा जिससे आपको
इसके बारे में और थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, मैं आपको इसकी फोटोज वगैरह भी सेंड कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। अब अगर बात करें फोर्थ बेडरूम की, तो फोर्थ बेडरूम रहेगा हमारा, इसको भी आप एज अ गेस्ट बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ओल्ड पर्सन है तो उनके लिए आप अलग से भी बेडरूम दे सकते हैं, अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के लिए। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा ये भी स्पेशियस है। ठीक है, एंड थोड़ा कोजी टाइप का आपका ये बेडरूम रह जाएगा। ठीक है, इसमें जो वॉलपेपर्स आप देख सकते हैं, कर्टेंस का कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, बेडशीट्स का दिया गया है कॉम्बिनेशन। अगेन यहाँ पे जो वार्डरोब है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वार्डरोब है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं रूफटॉप तक वार्डरोब दी गई है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी अगर मैं बालकनी की बात करूँ तो आपको बालकनी मिल जाती है यहाँ पे भी, अगेन टफ एंड डोर के साथ आपको बालकनी मिल जाएगी यहाँ पे। ये भी इसमें भी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ स्पेस है आपकी बालकनी के अंदर, एंड ये आई थिंक यहाँ तक जाके बंद हो जाएगी पीछे बालकनी जाके। ठीक है, तो गाइस ये है फोर्थ बेडरूम जो आपने भी जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जिसको आप एज अ अपने गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, या आप उनको अपने एज ए ओल्ड पर्सन को दे सकते हैं अपने वॉशरूम। अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम भी यहाँ पे जो अटैच रहेगा वॉशरूम आपका। ठीक है, अब ये जो वॉशरूम है इसकी, जो फोर्थ बेडरूम का जो वॉशरूम रहेगा, इसकी कनेक्टिविटी बाहर से भी रह सकती है और इसकी कनेक्टिविटी बेडरूम से भी है। ये बहुत ही प्यारा एक कॉन्सेप्ट है, लाइक आपको कोई भी इजीली एक्सेसिबल कर सकता है। अगर कहीं कोई और वॉशरूम्स कंज्यूम हो, अगर किसी ने यूज़ करना हो बाहर से भी, फैमिली लॉन्च में बैठ के भी यूज़ करना हो, तो वो इजीली यूज़ कर सकता है वॉशरूम। ठीक है गाइस, तो गाइस ये है आपका फुल 4BHK का होम टूर जो कि मैंने आपको दिया। ठीक है गाइस, तो अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, लोकेशन की बात करूँ, तो मैंने लोकेशन भी आपको बताई है कि बाहर से कितना प्यारा ग्रीनरी का बहुत यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट है। पार्क यहाँ पे आपको मिल रहा है, 8 एकड़ में पार्क है। स्कूल की फैसिलिटी आपको अंदर मिल रही है, क्लब आपको अंदर मिल रहा है। ठीक है, इंडोर पूल आपको अंदर मिल रहा है, इंडोर स्विमिंग पूल अंदर आपको मिल रहा है। तो गाइस किसी को अगर इस फ्लैट के बारे में जानकारी लेनी है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकता है, या तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकता है। ऐसी ही हमारी नई वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सही जगह पे सही प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो।